नमस्कार दोस्तों, सतीश वर्ल्ड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिंद्रा थार की, जो कि डीजल में है, 130 हॉर्स पावर का इसमें इंजन है। ये एक्वा मरीन करके कलर है जो कि है, जिसका कि आज हम रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों ये वही रगड़ गाड़ी है जो कि महिंद्रा काफ़ी टाइम से इसको मार्केट में लाई हुई है। पहले महिंद्रा की मेजर नाम से कार आती थी, लेकिन अब महिंद्रा ने उसके बाद से इसको मेजर बंद कर दिया है और इसके बाद महिंद्रा ने थार को लॉन्च किया है। ये कुछ स्कॉर्पियो की पिक भी हैं, तो आप देख सकते हो थोड़ा स्कॉर्पियो एन है, ब्लैक कलर की तो अच्छी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी कुछ इमेज है। दोस्तों इसमें 18 इंची के अलॉय व्हील आते हैं महिंद्रा में, ये आप देख सकते हो, जो कि रेगुलर इसकी डिज़ाइन, अभी अलॉय व्हील में कोई चेंज आया नहीं है महिंद्रा थार जब से लॉन्च हुई है। ये इसकी स्टेप नहीं है, इसमें 5x5 18 इंची के आते हैं अलॉय व्हील के साथ में, और ये गाड़ी 4x4 आती है। ये हार्ड टॉप है, डिज़ाइन कोई खास फर्क नहीं है। ये ऑटोमेटिक भी है, आप देख सकते हो क्या अच्छा व्यू है दूर से। इसका हार्ड टॉप जो ब्लैक कलर का है, जो कि थोड़े टाइम बाद फेड होने लग जाता है, लेकिन अच्छी गाड़ी है। ये फुटरेस्ट है, ये इसमें आप बैजिंग देख सकते हो, 150 पेट्रोल वेरिएंट है। ये इसमें एंटीन है जो कि काफ़ी हद तक काम भी करता है। पेट्रोल और डीजल में थोड़ा फ़र्क आता है पावर का, अच्छी पावर फिगर जनरेट करती है। आपको पेट्रोल में चलाने में पता नहीं लगेगा कि गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है। ये इसका फ्रंट का व्यू है, नॉर्मल हेडलाइट है इसकी, इंडिकेटर इसके बम्पर पे हैं, देख सकते हो। इसका थोड़ा ओपनिंग क्लोजिंग का भी थोड़ा अलग होता है, बाकी सिंपल है एकदम। आपको बूट स्पेस बहुत कम मिलता है, फ्यूल टैंक भी आपको मैनुअली इसमें चाबी से ओपन करना पड़ता है। ये इसके डोर हैंडल वही पुराने सा टाइप के हैं, ये अंदर देखते हैं। ये अंदर इसमें ग्रैप हैंडल है डोर क्लोजर बंद करने का, ये इसके मिरर एडजस्टमेंट, ये लॉक अनलॉक का, और ये लॉक अनलॉक का होता है इसमें। ये भाग देख सकते हो, ये सीट ऊपर नीचे करने का है। ये इसमें इसके टायर का एयर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो कितना अपन इसमें रख सकते हैं, 32 PSI 34 PSI के आसपास हमारे टायर में एयर रख सकते हैं। ये एसी वेंट है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ में दिए हुए हैं, थोड़ा काम किया हुआ है। ये इसका स्टेयरिंग है, ये इसके कंट्रोल्स हैं, इसमें क्रूज कंट्रोल भी गाड़ी में आपको दिया हुआ है, आप सेट कर सकते हो। क्वालिटी ठीक है, स्टेयरिंग लेदर रैप नहीं है, टच स्क्रीन थोड़ा दिया हुआ है, मैनुअल ORVM है इसमें, टच स्क्रीन जो कि आपको टायर का प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिखाता रहता है। ये इसका पैनल देख लो आप, ये AC का है, सेमी ऑटो है। ये इसका गियर लीवर है, ऑटोमेटिक है, तो ये गियर लीवर आपको दिया हुआ है, 4x4 है, तो सेकंड गियर लीवर भी आपको दिया है, 4 लो हाई लो 2 लो 2 हाई। ये इसकी पावर विंडो है, ये इसका थोड़ा सा स्पेस है 2 कप होल्डर का। ये इसका ब्रेक हैंडल, ये आप इसमें ग्रैप हैंडल लेकर और देख सकते हो। ये इसका स्टोरेज है, छोटा सा मिनी स्टोरेज है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। इसकी ब्रांडिंग महिंद्रा हमेशा शुरू से ही करता हुआ आया है। तो इस गाड़ी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, काफ़ी कैपेबल गाड़ी है। इसका मार्केट में कंपटीशन में भी कोई और गाड़ी नहीं है। अभी इसको काफ़ी अपडेट कर दिया गया है, इसमें आपको AC का अच्छे से काम दे दिया गया है, थोड़ा सीटिंग पोजिशन और थोड़ा काम भी काफ़ी हद तक गाड़ी में किया गया है। तो इस ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है, और अभी सुजुकी भी अपनी जीप की जिमनी को लाने के चक्कर में मार्केट में, कब तक आएगी उसका तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो हाल फिलहाल मार्केट में है वो अच्छी गाड़ी है, इसका कोई कंपटीशन नहीं है। 4 मीटर इसकी लेंथ है, जो कि तकरीबन हुंडई वेन्यू ब्रिजर इनके क्वालिटी आती है। ये महिंद्रा की काफ़ी तगड़ी एक स्ट्रेटजी है, जिसमें कि महिंद्रा 4 मीटर में इतनी तगड़ी धांसू गाड़ी बना के देती है। ये इसका पैसेंजर साइड का है, आप देख सकते हो, ये सीट यहाँ से रेकलाइन होती है ये, और फिर इसमें आप पीछे की साइड में सेकंड रो में जाते हैं, बाकी इसमें और कोई ऑप्शन सेकंड राइट ऑप्शन में जाने का है नहीं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, इसको मैं आगे कर बताता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।